हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। माय नेम इज़ रूपक रोमेत्रा और मैं करियर सक्सेस की इस वीडियो में आप सभी का वेलकम करता हूं। तो मेरे पास काफ़ी सारी क्वेरीज आ रहे थे बच्चों के कि सर हमारे एग्ज़ाम्स आ रहे हैं और हमारा ये टॉपिक काफ़ी देर से हम प्रिपेयर कर रहे हैं, कहीं ना कहीं मिस्टेक हो जाती है, किसी वजह से इसमें मार्क्स नहीं स्कोर कर पाते कम टाइम में, क्योंकि आजकल ऑनलाइन एग्ज़ाम्स हैं तो स्पीड एंड एक्यूरेसी आपको मेंटेन करनी है। तो फ्रेंड्स, आप सबके लिए आज मैं सिटिंग अरेंजमेंट का पार्ट टू लेके आया हूँ आप लोगों की डिमांड पर, जिसमें आपको आज मैं क्या पढ़ाऊंगा उसमें रहेगा हमारा लाइन, लाइन का मतलब लीनियर अरेंजमेंट और रो अरेंजमेंट। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम कुछ लोगों को, जैसे मेरी लास्ट वीडियो है, अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखी तो आप पहले वो देख लीजिएगा, उसमें भी काफ़ी बेसिक्स आपका क्लियर हो जाएगा। इस वीडियो में मैं आपको क्या समझाने वाला हूँ, जैसे कुछ लोग हैं उनको लास्ट वीडियो में जो मैंने आपको समझाया था वो था मैंने सर्कल में लोगों को बिठाया था। आज जो हम सर्कल के अलावा अरेंजमेंट पढ़ेंगे उसका नाम है लाइन अरेंजमेंट। लीनियर अरेंजमेंट भी बोलते हैं इसको, स्ट्रेट लाइन भी बोलते हैं इसको, सिंगल रो भी बोलते हैं और डबल रो की फॉर्म में भी आता है। तो हम इसके स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चंस करेंगे, पहला बेसिक लेवल रखेंगे, फिर आहिस्ता आहिस्ता कुछ मेंस लेवल का एग्जाम का क्वेश्चन लेंगे, ठीक है। तो फ्रेंड्स, आप सभी आज ध्यान से इसको सीखिएगा क्योंकि ये आपके एग्जाम में श्योर शॉट 5 नंबर का कांसेप्ट है, ठीक है। तो आज जो मैं आपको स्टार्ट करवाने वाला हूं ये बिल्कुल बेसिक से मैं शुरू करवाऊंगा, बिल्कुल जीरो लेवल से, जिस बच्चे ने कभी तैयारी नहीं की या कभी पढ़ा नहीं है उसके लिए, और फिर ग्रेजुअली हम इसको इंक्रीज करेंगे लेवल को, ठीक है। तो फ्रेंड्स, आज स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप सब देख रहे होंगे मैंने यहां पर लिखा है सिटिंग अरेंजमेंट पार्ट टू, लेकिन आज पढ़ना क्या है हमने लाइन एंड रो। तो आज जो मैं आपको पढ़ाने वाला हूं, बेसिकली आज जो हम पर्संस को बिठाएंगे वो किस में अरेंज करेंगे, लाइन के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब देखिए, जब हम सर्कल पढ़ते थे हम एक प्रॉपर सर्कल बनाते थे, जैसे अगर हमारे पास 8 पर्सन है तो हम क्या करते थे, हम कुछ इस तरह से पर्संस की रिप्रेजेंटेशन लगाते थे जिसमें लेफ्ट राइट का भी ध्यान रखा जाता है और सभी पर्सन का। आज सर्कल की जगह आपको जो मैं सिखाऊंगा, आज हम इन पर्संस को अरेंज करेंगे इन द फॉर्म ऑफ रो। तो ये जो चीज़ है आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ, तो फ्रेंड्स आप इसको अच्छे से सीखिएगा। अभी जस्ट हमने वीडियो में स्टार्ट किया है तो आप सभी को इससे एक अच्छे पॉइंट्स सीखने को मिलेंगे, ठीक है। अब इसके साथ साथ एक क्वेश्चन मैं आपसे डिस्कस करूँगा, तो पहले इसको जल्दी से रब कर लेते हैं। अभी लास्ट ईयर के जो एग्जाम्स हैं आप देखेंगे लाइन जो लाइन अरेंजमेंट है इसके काफ़ी सारे क्वेश्चन आपको 5 नंबर के आए भी हैं काफ़ी एग्जाम्स में, तो इसका हम साथ साथ एग्जाम के क्वेश्चन भी आपको बताएंगे, ठीक है। सबसे पहले मान लेते हैं मेरे पास 8 पर्संस हैं, ये मैं आपको समझाने के लिए 8 पर्सन ले रहा हूँ, लेकिन जब मैं क्वेश्चन स्टार्ट करवाऊँगा तो मैं 6 या 7 से स्टार्ट कराऊँगा ताकि आपका बेसिक अच्छा हो जाए, ठीक है। देखते हैं यहाँ पे, सबसे पहले मुझे 8 पर्संस बनाने हैं लेकिन इन द फॉर्म ऑफ लाइन, तो ये मेरा एक अरेंजमेंट है। इन क्वेश्चंस को करने का एक और तरीका है तो वो भी हम आपसे डिस्कस करेंगे, लेकिन जो बेस्ट पॉसिबल रहता है वो कुछ इस तरह रहता है, ठीक है। अब सबसे पहले आपको मैं सर्कल और लाइन में डिफरेंस बताऊं, 2 या 3 डिफरेंस जो है। सबसे पहला आप एक चीज नोट करेंगे, अभी शुरू करने से पहले ये काफी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिसका आपको एग्जाम में जल्दी जल्दी निकाल सकते हैं, ठीक है। अब एक चीज याद रखिएगा, सर्कल में हमेशा हर पर्सन के 2 नेबर होंगे, लेकिन लाइन में ऐसा नहीं है। लाइन में जो लोग एंड पे बैठते हैं, फर्स्ट एंड पे या लास्ट एंड पे, ठीक है, इनका कभी भी 2 नेबर नहीं होते, इनका हमेशा 1 नेबर रहता है, तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। दूसरी चीज, यहां पे जो डायरेक्शंस आपको लोगों की मिलेंगी, जो पर्सन की डायरेक्शंस होंगी वो इनसाइड और आउटसाइड नहीं होंगी जैसा सर्कल में होता है, लेकिन डायरेक्शंस का नाम यहां पर रहेगा नॉर्थ एज वेल एज साउथ। ये सबसे बेसिक सा डिफरेंस जो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इसके आगे चलते हैं। सबसे पहले आज आप एक चीज याद रखिएगा, लाइन के केस में हमेशा आपके पास 2 एंड्स होंगे, इनको हम क्या बोलते हैं, एक्सट्रीम एंड्स, ठीक है। इनका नाम क्या है हमारा, एक्सट्रीम एंड्स। और अगर एक स्ट्रेट लाइन की बात करूं, ये मेरा एंड रहेगा लेफ्ट एंड और ये मेरा रहेगा राइट एंड। तो फ्रेंड्स, ये एंड्स की ही इसमें काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, जिसको आप अभी क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे आप उसमें भी देखेंगे, ठीक है। तो आपको अभी तक मैंने क्या समझाया, डायरेक्शंस के केस में हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, नॉर्थ एंड साउथ, और साथ ही साथ इसमें जो एंड्स हैं वो कौन से, आपके एक्सट्रीम एंड्स, और 2 ही एंड है, कौन कौन सा, लेफ्ट एंड राइट, ये सर्कल में नहीं होगा, ठीक है। अब इसके साथ साथ अगर मैं आपको थोड़ा सा इसको समझाना शुरू करूँ, मान लेते हैं मेरे पास क्वेश्चन में 8 पर्संस हैं और ये सभी देख रहे हैं नॉर्थ में,
और ये सभी कहाँ पे देख रहे हैं? नॉर्थ में, ठीक है। तो फ्रेंड्स एक चीज़ और मैं आपसे डिस्कस करूँ, आप यहाँ देखिए मैंने इन सभी की डायरेक्शन क्या रखी है, नॉर्थ। नॉर्थ का मतलब इन सभी का जो फेस है वो रहने वाला है नॉर्थ की तरफ। इनफैक्ट जब भी आप कॉपी पे भी अपना क्वेश्चन बनाएंगे, ठीक है, उस पे भी आप देखेंगे कि आप एज ए नॉर्थ ही देख रहे हैं इसको, अब जब आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। लेकिन एक चीज और, अब देखिए मान लेते हैं मैं इस पर्सन की बात करूं, आप देख रहे होंगे इसके लेफ्ट में भी कुछ लोग हैं और राइट में भी कुछ लोग हैं। सबसे पहले जो आपको लाइन के केस में पता होना चाहिए वो है इन लोगों का लेफ्ट और राइट, ठीक है। तो यहां से अगर मैं शुरू करूं, ये पर्सन अगर नॉर्थ में देख रहा है, इसका लेफ्ट है, ये इसका है राइट, ये आप सभी अपनी शीट पे भी ड्रॉ कर लेंगे, अदरवाइज आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अपने रेफरेंस के लिए, ठीक है। तो ये जो मैंने बनाया है, ये मैंने एक बेसिक सी स्ट्रक्चर बनाया है लाइन के क्वेश्चंस का, जिसमें आपको लेफ्ट राइट का ध्यान रखना है। अगर आप यहाँ से इस तरफ मूव करें तो पर्सन का लेफ्ट है, यहाँ से मूव करेंगे तो पर्सन का राइट है। तो फ्रेंड्स जैसा कि आप सभी को अभी मैंने बताया, तो मैं ये होप कर रहा हूँ, एक्सपेक्ट कर रहा हूँ आप सभी को एटलीस्ट बेसिक क्लियर हो, ठीक है। अब मैं इसको रब करके आपको एक बेसिक सा क्वेश्चन की तरफ लेके चलता हूँ, लेकिन क्वेश्चन शुरू करने से पहले आपको मैं जस्ट एक बेसिक सी चीज़ बताना चाहूँगा जो आप लोगों को ध्यान रखनी है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मान लेते हैं मेरे पास चार पर्सन है, क्योंकि इसको मैं एक छोटी एग्जांपल से समझाऊंगा, फिर हम लिटरली आगे के क्वेश्चन में चलेंगे जिसमें हम पर्सन बढ़ा देंगे, ठीक है। तो बेसिक से हाई लेवल पे चलेंगे, ठीक है। देख लीजिए मेरे पास कितने पर्सन है यहाँ पे, ओनली 4, और मान लेते हैं ये सभी देख रहे हैं नॉर्थ में, और इन सभी का नाम है ABCD, से फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। अब सबसे पहले मुझे ये चीज पता होनी चाहिए कि मेरे जो पर्सन है ये देख कहाँ रहे हैं, क्यों? क्योंकि जब तक आप में से बेसिक से जो बच्चे पढ़ रहे हैं, जो फर्स्ट टाइम कोचिंग कर रहे हैं, अगर उनको डायरेक्शन नहीं पता लगेगी, आप हाई लेवल के क्वेश्चन कभी भी सॉल्व नहीं कर पाएंगे, उसमें बहुत टाइम लेंगे आप, ठीक है। तो सबसे पहले मुझे पता है सभी लोग नॉर्थ में देख रहे हैं, तो मेरा ये प्रायोरिटी बन जाती है कि मैं डायरेक्शंस को इस तरह से ड्रॉ करूं, ठीक है। अब मान लेते हैं कोई एक पर्सन है, मैं आपको एक स्टेटमेंट देता हूं, बी इज नॉट एट एनी एक्सट्रीम एंड। तो फ्रेंड्स ये जो मैंने आपको स्टेटमेंट दी है, मैं इस क्वेश्चन को कैसे बनाऊं, इसका क्या मीनिंग है? इसका मीनिंग है कि जो पर्सन डी है वो किसी भी एंड पे नहीं है। इसका एक छोटा सा हिंट आपको मिल गया कि जो भी मेरे एंड है वो तो दो ही है, एक लेफ्ट है और एक क्या है राइट। ये बंदा डी जो है ये किसी भी एंड पे नहीं आएगा, इसका मतलब यहां पे भी कौन नहीं आएगा, डी। और आप जरा ध्यान से देखें, इन पर्संस का लेफ्ट राइट आपके पास होना चाहिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, खासकर जो फर्स्ट टाइम बच्चे पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब आगे चलते हैं, एक और स्टेटमेंट मैं आपको देता हूं, इमीडिएट नेबर ऑफ डी इज सी एंड सी इज सेकंड फ्रॉम लेफ्ट एंड, ठीक है। ये जो मैंने स्टेटमेंट आपको यहां दी है इसका क्या मीनिंग है, इमीडिएट नेबर ऑफ डी इज सी, इसका मतलब है जहां पे भी डी आएगा उसके साथ कौन रहेगा, सी। ये ऐसा भी हो सकता है क्योंकि दोनों पॉसिबिलिटीज हैं, सी पहले भी आ सकता है, डी बाद में भी आ सकता है, ठीक है। और लेकिन साथ में देखिए क्या लिखा है, एंड सी इज सेकंड फ्रॉम लेफ्ट एंड। आपको एक चीज याद रखनी है, जब एंड की बात हुई इसने कहा सी जो है लेफ्ट एंड से सेकंड नंबर पे है। यहां पे आप देखिए लेफ्ट एंड के साथ क्या लगा हुआ है, फ्रॉम। फ्रॉम का मतलब है लेफ्ट एंड से ही काउंट करना शुरू करना है। तो इसका मतलब लेफ्ट एंड मेरा कहां से स्टार्ट हो रहा है, यहां से सेकंड लेफ्ट मेरा कौन है, सी। तो ये अगर फर्स्ट लेफ्ट है ये कौन है, सेकंड, का नाम क्या आ गया, सी, ठीक है। अब यहां पे आ जाइए, देखो सी के साथ किसका नेबर है, डी। लेकिन आपने देखा डी यहां तो आ नहीं सकता, देखो डी लगाने के दो ही केस है, यहां तो डी इधर आएगा या तो डी इधर आएगा, ठीक है। नेबर का मतलब होता है यहां तो वो लेफ्ट में होगा या तो राइट में होगा, इसका मतलब अगर डी यहां नहीं आएगा तो ये कौन है आपका, डी, ठीक है। आगे चलते हैं, एक और स्टेटमेंट मैं आपको देता हूं साथ में, ए इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ डी, इसको यहां से रब कर देते हैं।
ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट स्टेटमेंट मैंने आपको क्या दी कि ए जो है वो डी का नेबर नहीं है, इसका मतलब कुछ नहीं करना, हमने सिर्फ हिंट लगाना है, ए जो है वो डी के साथ नहीं आएगा, बात ही खत्म हो गई, इसका ये मीनिंग है, ठीक है। अब आप देखिए मेरे पास चार ही लोग थे, इसमें से डी मैं बिठा चुका हूँ और सी मैं बिठा चुका हूँ, इसमें से ए ऐसा है जो यहाँ पे नहीं आएगा, तो कौन बचा आपके पास, बी, ये किसकी पोजीशन है, बी। अब देखिए चार में से जब तीन लगा दिए तो जो लास्ट में पर्सन बचा है यहाँ पे ऑब्वियसली वही आएगा, तो ये मेरा एक अरेंजमेंट बन गया ए सी बी डी। ये बिल्कुल बेसिक सा मैंने क्वेश्चन लिया आपको बेसिक इसका जो लेवल है वो कवर करने के लिए कि लेफ्ट राइट का क्या मीनिंग है, नेबर का क्या मीनिंग है। तो आप लोगों को ऐसे याद रखना है, नेबर अगर कभी भी पूछ ले तो आप ऐसे समझ लीजिए आपसे लेफ्ट और राइट की बात कर रहा है, बात ही क्लियर, बिल्कुल सिंपल भाषा में मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। अब इसके साथ साथ एक प्रॉपर क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है, सो दैट कि आप उसको सॉल्व भी कर पाए और आपको इसका कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए, ठीक है। तो फ्रेंड्स अब लाइन का जो अरेंजमेंट हमने स्टार्ट किया है हमारा सिटिंग अरेंजमेंट पार्ट टू सीरीज में, अब एक क्वेश्चन करने का टाइम है जो आप लोग को ट्राई करेंगे इसको, ठीक है। ऐसा ना हो कि आप क्वेश्चन देख के मैं सॉल्व करवाऊंगा वही आप देखते रहें, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्वेश्चन की फोटोग्राफ को, ठीक है, वीडियो को पॉज करके आप स्क्रीनशॉट लें, उसके बाद पहले इसको ट्राई करें। बिल्कुल बेसिक लेवल का ये क्वेश्चन है, किसी ना किसी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम इसको देखें तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अब शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को। जैसा आप क्वेश्चन में देख रहे होंगे मैं आपको बिल्कुल साथ साथ डिस्क्राइब करूंगा इस क्वेश्चन को क्या लिखा है। सबसे पहले इस क्वेश्चन में आपको बोला है सिक्स पर्सन आर सिटिंग इन ए रो फेसिंग नॉर्थ। इतनी लाइन पढ़ने से ही मुझे पता लग गया कि जो भी मेरी लाइन है जिसमें मैंने लोगों को बिठाना है वो मुझे यहाँ से ये पता लग गया कि मैंने कैसे बिठाना है रो। यहाँ पर सर्कल भी आ सकता है, स्क्वायर भी आ सकता है, तो यहां मेरे से किसकी बात कर रहा है वो, सिर्फ रो की। और कितने लोग हैं, सिक्स, तो यहीं से मेरे को एक आइडिया मिल गया मैंने कितने लोगों की पोजीशन बनानी है, सिर्फ सिक्स पर्सन की, ठीक है। आगे देखिए क्या है, फेसिंग नॉर्थ। आपने एक चीज याद रखनी है, इसके साथ हमेशा आपको नाम दिए होंगे और कुछ इंस्टेंसेस होता है जिसमें नाम ज्यादा भी हो सकते हैं, पर्सन ज्यादा होंगे तो नाम ज्यादा होंगे, अगर पर्सन कम है तो कम होंगे, ठीक है। यहाँ पर सिक्स पर्सन दिए और उन सभी के नाम अलग अलग दिए हैं, एन एच एक्स सी ए एम, ये किसी ऑर्डर में नहीं है। आप जब क्वेश्चन देंगे, क्वेश्चन आप देखेंगे पढ़ेंगे पेपर में, वहां पर एक लाइन लिखी होगी नॉट इन सेम ऑर्डर, तो इसलिए मैंने आपको ये इसलिए पहले ही बता दिया कि कभी भी ऑर्डर में नहीं है कि आप इसी अरेंजमेंट में बना दें तो यही हमारा आंसर, ऐसा कुछ नहीं है, आपको इसको अरेंज करना है, ठीक है। शुरू करते हैं, सबसे पहले आप जरा मेरी लाइन पढ़िए जो मैंने फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ पे आपके सामने रखी है, क्या लिखा है मैंने, एम एंड एन आर सिटिंग एट एक्सट्रीम एंड्स। मुझे आप सिर्फ एक चीज बताइए इस लाइन का मतलब क्या है, इस लाइन का मतलब है कि एम और एन जो दो लोग हैं ये मेरे एंड्स पे ही बैठेंगे और कहीं नहीं बैठेंगे। इसका मतलब हुआ कि अगर ये M है तो यहां पे कौन आ जाएगा, N, एक तो ये केस बना। लेकिन फ्रेंड्स काफी सारे बच्चे क्या करेंगे, ऐसे ही इसको निकालना शुरू कर देंगे, लेकिन इस लाइन के दो मतलब है, M and N are sitting at extreme ends। आपको पता है extreme ends दो है हमारे पास, एक लेफ्ट है और एक राइट, तो इसका मतलब मेरे को एक डायग्राम और बनानी पड़ेगी इन लोगों के लिए। क्यों, क्योंकि अगर मैंने M अपनी मर्जी से यहाँ इस एंड पे रखा, ऐसा भी तो हो सकता है कि N यहाँ पर हो और M यहाँ पर हो, ठीक है। तो ये इसकी पैरेलली मैंने दो डायग्राम्स ड्रॉ, ये क्वेश्चन मैं आपको एक डायग्राम से भी करवा सकता हूँ, लेकिन मुझे आपको स्पीड नहीं सिखानी है, पहले मुझे एक्यूरेसी बनानी है आप लोगों की, इसलिए मुझे स्टेप बाय स्टेप सिखाना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे सभी कहाँ देख रहे हैं, नॉर्थ में। तो आप में से जो फर्स्ट टाइम स्टूडेंट हैं आप शुरू के 5-6 क्वेश्चंस में ये बना लीजिए अगर ये साथ में, इसका आपको काफ़ी हेल्प रहेगा, फिर उसके बाद बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको जब आपका लेवल अच्छा हो जाएगा, ठीक है। ऐसा ही हम यहाँ पे भी बना लेते हैं, और लाइन के क्वेश्चंस में लगातार लेटेस्ट पैटर्न भी आ रहा है, वो भी हम आपसे डिस्कस करेंगे स्टेप बाय स्टेप, पहले हम बेसिक कर लें थोड़ा सा, ठीक है। अब देखिए फर्स्ट लाइन में लगा चुका हूँ, अब इसको मुझे बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं है, और फ्रेंड्स आपको क्वेश्चन एक बार पढ़ना है ये आप याद रखिएगा, क्वेश्चन 6 या 7 बार नहीं पढ़ना है, वहां पे आपके पास इतना टाइम नहीं होगा, ठीक है। हम क्लासरूम में भी यही बच्चों को बताते हैं जो भी हमारे पास कोचिंग करते हैं। अब नेक्स्ट लाइन देखिए क्या लिखी है, कह रहा है एक्स इज सिटिंग थर्ड टू द राइट ऑफ एम। इसका मतलब है, मैं इसको थोड़ा सिंबॉलिक फॉर्म में आपको समझाऊंगा, ठीक है, इसका मतलब है जहां पे भी एम है उसके थर्ड टू द राइट में कौन होगा, एक्स। इसका मतलब हुआ जहां पे भी मेरा एम है इसका थर्ड टू द राइट, अब देखिए यहां पे एम देख रहे हैं नॉर्थ में, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया सारे नॉर्थ में देख रहे हैं, इसका राइट पहले मुझे राइट पता होना चाहिए, राइट आया इस साइड पे, और कितना राइट, थर्ड राइट। अब देखिए यहां पे ये है फर्स्ट राइट, सेकंड राइट, थर्ड राइट, और इसका नाम क्या है, एक्स।
ठीक है। अब आप खुद इसको ध्यान से देखिए कि कौन सी डायग्राम में मैं ये चीज बना सकता हूँ। जरा इस डायग्राम में चलिए, यहाँ देखिए M का थर्ड राइट कौन होना चाहिए, X। ये है मेरे पास M, इसका फर्स्ट राइट, ये देखिए राइट यहाँ पे आ रहा है, ये आपको बनाने सिखाने के लिए मैं ये बना रहा हूँ, ठीक है। यह आया इसका फर्स्ट राइट, यह आया इसका सेकेंड, यह आया थर्ड, तो यहाँ पे नाम क्या आ जाएगा इसका, X, जैसा मैंने यहाँ पे बनाया, ठीक है। अब आगे मूव करते हैं, अब इस डायग्राम में चलिए, देखिए जब भी आप दो डायग्राम बनाते हैं ना, आपको पैरेलल चलाना है दोनों को, ठीक है। अब इधर आ जाइए, अब देखो उसने कहा M के थर्ड राइट पे कौन आएगा, X। पहली बात, M का जो राइट है आगे तो है ही नहीं, आगे तो खाली, क्योंकि हमारे पास छह ही पर्सन है, इसलिए ये डायग्राम जो थी ये मेरी इनएक्यूरेट डायग्राम है, ये गलत डायग्राम है, इसका मतलब ये सही चल रही है। तो अब इसी को ही देखेंगे, इसको अब हम नहीं देखेंगे, लेकिन आपको ये नहीं देखना कि आंसर कैसे आया, काफी सारे बच्चे देख रहे होंगे बस आंसर मिल जाए, आपको देखना है अप्रोच क्या है, कि हम क्वेश्चन जब निकालते हमसे क्यों नहीं निकलता, वो इसलिए नहीं निकलता क्योंकि हम उसके हर केस नहीं देखते। तो ये डायग्राम मेरी गलत हो चुकी है, अब आगे चलते हैं, ये भी मैं फिट कर चुका हूँ, नेक्स्ट में चलते हैं। देखिए आगे क्या लिखा है, एच इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ एक्स एंड फोर्थ टू द राइट ऑफ एम। इसका मीनिंग हुआ H जो भी बंदा है ये X के फोर्थ टू द, हाँ H इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ X एंड फोर्थ टू द राइट ऑफ M। H जो है ये नेबर है X का, और यहाँ पे देखिए एंड यूज हुआ है, एंड आपने एक शॉर्टकट याद रखना है, ये मैं आपको लेटर ऑन वीडियोस में और भी चीज़ें डिस्कस करेंगे, फिलहाल के लिए याद रखिए एंड हमेशा रेफर करता है फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द स्टेटमेंट को, यह स्टेटमेंट में पहला बंदा कौन है, H, इसलिए किसकी बात कर रहा है, H की। अभी उसने कहा H किसका नेबर है, X का। अब यहां देखिए आपने x खुद से लगाया हुआ है यहां पे इसके कितने नेबर है, दो, तो इसका मतलब h यहां पे भी आ सकता था, यहां पे भी, लेकिन उसने आपको क्या बोला, h इज फोर्थ टू द राइट ऑफ m। अब देखिए m के फोर्थ राइट में h को बिठाना है, ठीक है, तो चेक करते हैं, ये इसका फर्स्ट राइट, क्योंकि राइट की तरफ आ रहा है, सेकेंड, थर्ड ऑलरेडी बैठा है, ये आ गया मेरा फोर्थ राइट, और इसका नाम क्या लगा दिया मैंने, h। तेरे स्टूडेंट्स नेक्स्ट पे मूव करते हैं, अब देखिए यहाँ पे लास्ट लाइन क्या लिखी है, सी इज टू द राइट ऑफ ए एंड इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ एच। सी इज टू द राइट ऑफ ए का क्या मतलब हो गया, कि जहां पे भी ए होगा उसके राइट में ही हमेशा सी होगा, इसका ये मीनिंग है। और उसने साथ साथ में बोला हु इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ एच, हु इज नॉट का मतलब है हु हमेशा रेफर करता है साथ वाले एलिमेंट को, कि ये कभी भी H का नेबर नहीं है। और वैसे भी आप देखिए H के दो नेबर ऑलरेडी बुकड है, ऑलरेडी लगे हैं, तो इसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ये पहले ही फिट हो चुका है, इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है, मुझे सिर्फ एक ही चीज़ फिट करनी है, C इज टू द राइट ऑफ A। अब आप मुझे खुद बताइए, देखिए इसको किस तरह करेंगे, मान लेते हैं ये सी है, अज्यूम करते हैं, अब सी जो है ये ए के कहाँ पे आना चाहिए, राइट में, क्योंकि क्या लिखा है, सी इज टू द राइट ऑफ ए। अब आप खुद देखिए ए इसका मतलब यहीं पे आएगा, लेकिन ये सी जो है ए के कहाँ पे आया, लेफ्ट में, मुझे कहाँ चाहिए था, राइट में, इसलिए ये इसकी पोजीशन गलत बनाई है हमने। तो एक्यूरेट अगर इसको देखें, अगर ये ए होगा, सी इज टू द राइट ऑफ ए, अगर ये ए है तो इसका राइट आएगा यहाँ पे, तो ये इसका नाम क्या रखेंगे, सी, ठीक है। तो ये एक बेसिक सा क्वेश्चन था जो मैंने आपको अलग अलग दो तीन तरीकों से बताया कि आप इसकी पॉसिबिलिटी भी बना सकते हैं, तो इससे आपको एक पॉइंट मिल जाएगा, एक पर्सपेक्टिव मिल जाएगा कि किस तरह से ऐसे क्वेश्चंस को अप्रोच करना है। तो फ्रेंड्स इसको आप भी खुद से भी एक बार ट्राई करिएगा, तो इसका फाइनल आंसर है, ठीक है। तो आप अगर हमारी वीडियोस देखते हैं, आप इसको लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और जो भी आप टॉपिक्स आपको मुश्किल लगते हैं, डिफिकल्ट लगते हैं, आप हमें कमेंट करिए, हमें कॉल करिए, हमें मेल करिए, सो दैट हम उस पर नई नई वीडियोस लाते रहें। थैंक यू सो मच।